नर्मदे हर मित्रों, मैं बजरंग वर्मा लक्षित नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर की पूजा के लिए सबसे उत्तम शिवलिंग कौन सा होता है और नर्मदेश्वर शिवलिंग की एक जानकारी भी देंगे। यदि वो जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नर्मदेश्वर शिवलिंग लेना है तो संपर्क जरूर करें मेरे नंबर 9754788641। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, घर की पूजा के लिए जो सबसे उत्तम शिवलिंग होता है वो अर्धनारेश्वर शिवलिंग होता है। मित्रों, अर्धनारेश्वर क्यों होता है? क्योंकि एक ही शिवलिंग में माता पार्वती और महादेव विराजमान होते हैं और यदि शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी और पार्वती दोनों पर जल चढ़ता है और दोनों की पूजा भी होती है। और ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग की सच्चाई यह है कि नर्मदा जी का ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों कि आप इनकी जैसे कि अर्धनारेश्वर शिवलिंग की पूजा करोगे या फिर ऐसे नेचुरल नर्मदेश्वर शिवलिंग की। मित्रों, यदि आप ऐसे अर्धनारेश्वर या फिर त्रिपुंड या फिर जनेऊधारी इनमें से यदि कोई सा भी आप तीनों में से यदि आप कोई सा भी शिवलिंग लेते हो या फिर उसके बाद यदि आप ये नेचुरल शिवलिंग भी लेते हो तो भी मतलब पूजा यदि दोनों की करोगे तो आपको सेम मतलब फल प्राप्त होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेचुरल शिवलिंग रख लिया तो कम फल प्राप्त होगा या फिर अर्धनारेश्वर शिवलिंग की पूजा करोगे तो ज़्यादा फल प्राप्त होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मित्रों, नर्मदा जी का हर कंकर शंकर होता है और नर्मदा पुराण शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है सिर्फ मात्र नर्मदा जी के शिवलिंग होना चाहिए घर में, बने बनाए रखो या फिर ऐसे नेचुरल शिवलिंग रखो। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।